नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक न्यूज चैनल में। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरों के लिए द पब्लिक न्यूज चैनल की इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 दिसंबर से बंद हो जाएगी सभी ट्रेनें। उसके बारे में हमारे चैनल ने रेल मंत्रालय से बात कही है। आखिर रेल मंत्रालय ने ट्रेन बंद को लेकर क्या घोषणा की, आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के कारण काफ़ी राज्यों के अंदर लॉकडाउन लगाया जा रहा है और काफ़ी लोकल ट्रेनें या क्षेत्रीय ट्रेनें काफ़ी बंद भी है, कुछ ही ट्रेनें चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि 1 दिसंबर के बाद कहीं जाने का प्लान है तो आप ट्रेन में रिजर्वेशन करा रखा है, तो इसमें आपके लिए क्या ज़रूरी बातें हैं। आपको बता दें कि व्हाट्सएप पर काफ़ी मैसेज वायरल हो रहे हैं कि 1 दिसंबर से COVID-19 स्पेशल ट्रेन समेत सभी ट्रेनें का परिचालन बंद हो जाएगा। लेकिन रेलवे ने इस बात को नकार दिया है कि अभी हमारे पास कोई आदेश नहीं मिले हैं कि हम ट्रेनों को रद्द करेंगे या 1 दिसंबर के बाद परिचालन बंद करेंगे। लेकिन कुछ राज्यों के अंदर अभी भी कुछ ट्रेनें बंद है या ट्रेन से आप सफ़र नहीं कर सकते हैं, चाहे आपको कहीं पर भी जाना हो, ट्रेनें बंद की गई है। और जो है, यहाँ तक कि रेलवे ने इस मैसेज को गलत नकारा है, लेकिन फिर भी काफ़ी राज्यों के अंदर ट्रेनें बंद है। आप जाने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपकी ट्रेन चल रही है नहीं चल रही है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक इमीडिएटली, यानी जिस प्रकार से लॉकडाउन में हुआ था कि कल से ट्रेनें बंद, ऐसा नहीं होगा। अगर ट्रेनें बंद की जाएगी तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको 2 दिन पहले जानकारी दे दी जाएगी ताकि आप अपने घर पर प्रलयन कर सकें। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। जुड़ रहेगा दी पब्लिक के साथ, बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।